अस्सलाम वालेकुम माई फ्रेंड एंड माई व्यूअर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलें मेरे साथ रहिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। शायद आपने कभी ये रेसिपी खाई हो या ना खाई हो। तो फ्रेंड, मैंने 1.5 किलो ये लिए हैं कद्दू, लिया कद्दू, और 1/2 किलो मैंने टिंडे लिए हैं, और 1/2 किलो मैंने मटर लिए हैं, और 1 किलो मैंने मुर्गी का गोश्त लिया है। तो फ्रेंड, इसमें मैंने 1 पाव प्याज हरे लिए हैं, और 2 प्याज मैंने बड़े तीसरे लिए हैं। तो फ्रेंड, 3 मैंने टमाटर लिए, हरी मिर्ची ली है, रेड मिर्ची, मिक्स मसाला है ये, इसमें सब कुछ हमने ऐड किया हुआ है। तो फ्रेंड, इसमें मैं नमक हल्दी लिया है, और अदरक लहसुन मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में लिया है, इसमें अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो एंड पे हम गरम मसाला और हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्ची। तो फ्रेंड, मेरे साथ रहिएगा, देखेंगे मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड, घी हमारा गरम हो चुका है, और तो सबसे पहले हम ये प्याज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही हमारे ये प्याज फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ ये रेसिपी। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत स्पाइसी बनती है, और फ्रेंड इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, और फ्रेंड मुझे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप फ्रेंड और व्यूवर तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड, देखते रहें, फुल वीडियो मेरी देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अभी काम काफ़ी ज़्यादा मेरा पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो पहले रेसिपी बना लूँ, और डेली रूटीन का मेरा काम है। तो कल भी मैंने रेसिपी बनाई थी, मैं अपलोड नहीं की, मैंने वीडियो नहीं बना सकी, काम था, और परसों भी नहीं मैंने बनाई। तो फ्रेंड, मैंने कहा चलो आपके साथ आज शेयर करती हूँ। तो देखते रहें और मेरे साथ रहें, फुल वीडियो देखना फ्रेंड। और फ्रेंड, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग देखते हैं, फ्रेंड चिकन को मैं अच्छी तरह फ्राई करूँ, तो जब हमारा चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो आप लोग देखते रहें, तो थोड़ा मैं ब्राउन करूँगी फ्रेंड, देखते रहें मेरे साथ ही। और फ्रेंड देखें, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, तो मैंने थोड़ा ब्राउन किया है, चिली कच्ची आती है, तो इसमें मैं भी टमाटर ऐड कर दूँ, साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और फ्रेंड साथ ही मैं ये रेड मिर्ची, हल्दी, नमक, और साथ ही फ्रेंड मैं ये हरा प्याज भी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, तो आप लोग देखते रहें। और फ्रेंड देखें, लुक कितनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तो इसको मैं 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं इसमें मटर ऐड करूंगी, और टिंडे और जिया कद्दू। तो फ्रेंड, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी, और आप लोग मुझे फॉलो करते रहें। और फ्रेंड, चिकन हमारा और मसाला फ्राई अच्छी तरह हो चुका है, तो इसमें मैं अभी टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड साथ ही मैं टिंडे ऐड कर रही हूँ, तो इसी के साथ फ्रेंड मैं लिया कद्दू ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड इसको मैं अब अच्छी तरह मिक्स करूँगी, तो हल्की आंच पे 7 मिनट के लिए रख दूंगी ढकना देके, तो देखना इसकी लुक कितनी अच्छी आती है।
फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। तो माशाल्लाह देखिए फ्रेंड लुक कितनी अच्छी आ रही है। और फ्रेंड अभी मैं इसको दम पे रख रही हूँ 7 मिनट के लिए, तो फिर आप इसकी लुक देखिए अगर कितनी अच्छी आती है। तो अभी मैं इस पर ढकना दे रही हूँ, तो आपको ज़रूर ही मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड 7 मिनट बाद आप देखिएगा लुक। और फ्रेंड 7 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसका ढकना उतार रही हूँ, तो लुक देखिए कितनी अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड इसको अब मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी, ढकना ऊपर नहीं दूँगी, जब हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो फिर हम ढकना देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है फ्रेंड। तो अच्छी तरह ये भी पानी इसका ड्राई हो जाए, तो फिर इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी और धनिया और गर्म मसाला। तो 2-3 मिनट में जो अच्छी तरह बन जाएगी, फिर देखिए इस तरह से शुरू हो गया जैसे पानी ड्राई होता है। तो फ्रेंड हमने पानी तो आपके सामने ऐड नहीं किया, ये सब्जियों का पानी है इसका, या कद्दू का और टिंडों का। तो फ्रेंड देखते रहें। और फ्रेंड देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसमें मैं अब हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, देखें तो लुक देखें फ्रेंड कितनी अच्छी आ रही है। तो ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो फ्रेंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कुकिंग करती रहूँगी और आप मुझे फॉलो करते रहें। तो फ्रेंड साथ में इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मिर्ची हम इसमें हरी हरी ही रखनी है, इसलिए हमने एंड पे ऐड की है, वरना हम पहले भी ऐड कर सकते थे। तो देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है फ्रेंड एंड व्यूअर। तो इसके ऊपर अभी मैंने धनिया दो से रख लिया था, तो अभी धनिया ऐड करूँगी। तो फ्रेंड देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो फ्रेंड एंड व्यूअर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट लाजमी करना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कुकिंग करती रहूँगी और आप लोग मुझे फॉलो करते रहें। तो टेक केयर, सी यू ऑल माय फ्रेंड एंड माय व्यूअर। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी तरफ़ से सब मुस्लिम को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। टेक केयर, सी यू ऑल माय फ्रेंड एंड व्यूअर।